हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है उसको कैसे रिमूव करना है, कैसे उसको हटाना है, उसको हटाकर आप नया बैकग्राउंड भी कैसे लगा सकते हैं, उसके उसको भी हम बताएंगे और उसको हटाना भी आज हम उसको बताएंगे। तो इस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते मोबाइल की स्क्रीन पर और बताते हैं कि आप अपने फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको कैसे हटा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फोटो का बैकग्राउंड आपको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए एक एप्लीकेशन है बैकग्राउंड रेजर नाम की, आपको इसी को इंस्टॉल कर लेना है। अभी मैं आपको इसको बता देता हूँ कि कैसे आपको कौन सा इंस्टॉल करना है बाद में। अभी देख लीजिए कैसे पहले इसको बैकग्राउंड को इसको क्या करना है, हटाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लोड ए फोटो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लोड ए फोटो पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक कर दें यहाँ पर बहुत सारी आपको फ़ोटो आपको दिख जाएगी। तो जिस भी फ़ोटो का आपको बैकग्राउंड इरेज करना है वो फ़ोटो आपको चूज़ कर लेना है। तो चलिए मैं किसी भी कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं अपनी गैलरी में जाके। यहाँ पर देखिए थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, गैलरी फाइल, आप कहीं से भी अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो यहाँ पर मेरा यहाँ पर दिख रहा है तो मैं इस फ़ोटो को ले लेता हूँ। जैसे कि ये मेरी एक फ़ोटो आ गई, आप इसको क्रॉप करना चाहें तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को ऐसे ही आपको फुल फोटो ऐसे ही क्रॉप मेरे को चाहिए तो बैकग्राउंड हटाना है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर डन का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको डन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं कि हाँ मेरे को यहीं यहीं केवल इरेज करना है, मतलब यहीं यहीं इसको बैकग्राउंड को हटाना है, तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे आप इस पर हाथ लगाएंगे, देखिए इस प्रकार से आपको ये इरेज होने लगेगा यहाँ हाथ से। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से अगर आपको पूरा आपका जो है बैकग्राउंड वो इरेज नहीं होता है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से अगर हो सकता है आपका चेहरा ही यहाँ पर इरेज हो जाए, बाल इरेज हो जाए, तो इस प्रकार से आपका बढ़िया इरेज नहीं होता, तो आप चाहते हैं केवल आपका पूरा बैकग्राउंड इरेज हो, आपका फेस वैसा ही वैसा रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है देखिए मैं बता देता हूँ। पहले मेरा ऐसे नॉर्मल हो गया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पर नीचे मैनुअल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैनुअल के यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो सेल्फी। तो आपको जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ही ये पूरा रिमूव हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो सेल्फी लिखा हुआ है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही ये जो है रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अंडू का ऑप्शन भी दिख देता है आपको, ऑटो सेल्फी पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर सारा रिमूव हो जाता है। फिर मैनुअल पे क्लिक करके यहाँ पर जो जो बचा हुआ है आप उसको रिमूव ऐसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखिए ऐसे ऐसे हल्का हल्का जो जो बचा हुआ है, वैसे लगभग लगभग आपका देखेंगे सारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे यहाँ डन पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पर देखिए ये पूरा रिमूव ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद क्या करना, अगर आप इसको बढ़िया से और भी करना चाहते हैं तो और भी बढ़िया से यहाँ पर ये इरेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसे सेव पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर आपका ये जो है रिमूव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर रिमूव करना था। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन कौन सी है, इसको कौन सा डाउनलोड करना है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। वहाँ पर अब आपको अपने हाथ से करेंगे तो ज़्यादा ही सही रहेगा, ऑटो पे करते हैं तो ऑटो में लगभग सारा बैकग्राउंड हट तो जाता है, बोला थोड़ा थोड़ा बच जाता है, आप उसको हाथ से आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, बैकग्राउंड इरेजर लिख देना है। जैसे आप बैकग्राउंड इरेजर आपको लिख के टाइप करके सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की एप्लीकेशन ये वाला आपको दिखता है। ठीक है, इस यही वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे को क्या लगा, इसमें ऑटोमेटिक ही इरेज हो जाता है। इसी प्रकार से आपको यही वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसमें कुछ ऐड्स भी आते हैं क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन है, इसलिए ऐड यहाँ पर आते रहेंगे। इसी प्रकार से कोई भी फ़ोटो हो आप आराम से इसको यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये मेरी ये फ़ोटो आराम से इरेज हो गई थी। इसी प्रकार से आप कोई भी फ़ोटो हो आप इरेज आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरी एक ये फ़ोटो है, आप इस पर इरेज करना चाहते हैं, यहाँ पर ऑटो सेल्फी पे क्लिक करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक ही सारा यहाँ पर इरेज हो गया है। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया से सब कुछ इरेज हो गया है, केवल यही फ़ोटो बची हुई है। तो इसी प्रकार से आप इसे इरेज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बताना था,
वीडियो से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना बताना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।